नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे अगहन मास गुरुवार की महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। अगहन गुरुवार के दिन हम माता महालक्ष्मी जी का व्रत धारण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, साथ में कथा का श्रवण भी करना बहुत ही अनिवार्य होता है। कथा का श्रवण करने से ही हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए हम सभी मिलकर माता महालक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय। माता महालक्ष्मी जी की व्रत की कथा का श्रवण और पाठन करने से व्यक्ति के दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री माता महालक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थिर है। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्म लोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदंब वन में कदंब माला, राजप्रासाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय। कथा आरंभ करती हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु जी ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी का निवास हमारे घर में हो, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। तब श्री हरि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री हरि विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तो चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने के बाद 16वें रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत किया और पूजन किया। 16 गुरुवार संपूर्ण विधि विधान से उसने पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण किया और देवी लक्ष्मी को उत्तर की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी महालक्ष्मी जी ने अपने वचन को पूरा किया और उसके घर में पधारी। माँ लक्ष्मी जी के आते ही उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रह गई। ब्राह्मण यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह नियमित रूप से माता महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन अर्चन करने लगा और कथा का श्रवण करने लगा। मान्यता है कि तभी से इस व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस व्रत को करने से माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अस्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती हैं। बोलिए माँ महालक्ष्मी मैया की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। आइए हम सब मिलकर माता महालक्ष्मी जी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय
लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी मैया की जय।